If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? भारत ने फैसला कर लिया है निर्यात करने की. अमेरिका भारत पर निर्भर है. भारत से मदद मांगने के बजाय वो भारत को धमकी दे रहा है. हम उस धमकी से डर जाए, तुरंत HCQ पर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर, वो हम हटा देते. दुनिया एक बार फिर देखेगी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती. पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है. वहां कोरोना संक्रमण से अब तक 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर अमेरिका को इस दवा की आपूर्ति नहीं करता है तो वे इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे. I don't like that decision. I didn't hear that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk and we'll see whether or not that's his. I would be surprised if he would, you know, because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him. And I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? आपको बता दें कि ट्रंप जिस दवा की मांग कर रहे हैं, दरअसल भारत ने 25 मार्च को इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी. पर अब ट्रंप के इस लहजे के बाद भारत ने इस दवा के निर्यात पर लगे रोक को हटा दिया है. द लाइव टीवी पर अभिसार शर्मा ने भारत सरकार के इस फैसले पर जानकारी दी. भारत ने फैसला कर लिया है निर्यात करने की और क्या कहा है विदेश मंत्रालय में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं. हमने मीडिया के कुछ सेक्शंस में कोरोना से जुड़ी दवाइयों पर बेवजह विवाद पैदा करने की रिपोर्ट देखी है. हर जिम्मेदार सरकार की तरह हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना है. इसके लिए हमने कुछ दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. जब हम संतुष्ट हो गए कि सबके लिए दवा मौजूद है तब हमने निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया. पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लाइसेंस्ड कैटेगरी में रखा गया है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है. हमारा मानना है कि इस बीमारी के खिलाफ दुनिया में सहयोग की जरूरत है और हम ये दवाएं इन देशों को मुहैया कराते रहेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है. ट्रंप और मोदी की दोस्ती के गुणगान गाने वाली मीडिया आज ट्रंप की ही आलोचना करने लगा है. अमेरिका की हालत भी खराब है और हालात भी खराब है, बावजूद इसके अकड़ में कमी नहीं आ रही है. महामारी के इस वक्त में भी अमेरिका को दादागिरी सूझ रही है. डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गेम चेंजर साबित हो सकती है और इस गेम चेंजर दवा के लिए अमेरिका भारत पर निर्भर है. भारत से मदद मांगने के बजाय वो भारत को धमकी दे रहा है. हालांकि भारत ने मानवीय आधार पर दवा के निर्यात पर जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी है. कोरोना की दवा पर दुनिया की राजनीति में दंगल हो रहा है. भारत से दोस्ती का राग अलापने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी वाली भाषा पर उतर आए. विवाद का मुद्दा बना है मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अमेरिका को भारत से ये दवा चाहिए. भारत ने इसके लिए मना भी नहीं किया है लेकिन ट्रंप ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर भारत ये दवा नहीं देता है तो अमेरिका बदले की कार्रवाई करेगा. इससे पहले जब ट्रंप भारत आए मीडिया ने इस इवेंट को बड़ा चढ़ा कर पेश किया था और ट्रंप की तारीफों के फूल भी बांधे थे. मीडिया ने ट्रंप और मोदी के पल पल की खबर दिखाई मानो देश की बाकी समस्याएं ही खत्म हो गई हों. कुछ दिनों बाद अहमदाबाद और भारत बोलेंगे नमस्ते ट्रंप, कुछ उसी अंदाज में जैसा कि अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ था हाउडी मोदी. तैयारियां जोरों पर है क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भारत आ रहा है. भारत भी ट्रंप के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा. 24 और 25 फरवरी को दुनिया एक बार फिर देखेगी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती. ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इमरान खान क्यों सूखे जा रहे हैं इस बात से? वैसे इस सवाल का जवाब ये कहकर भी टाला जा सकता है कि पाकिस्तान का क्या है, उसकी तो फितरत में ही ईर्ष्या है. जिस दिन भारत में मौसम बहुत अच्छा हो उस दिन पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता.
डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पाकिस्तान को पहले से ही खटकती रही है और अब तो ट्रंप खुद भारत आ रहे हैं। और ये पहली झलक इस वक्त आपको दिखाई दे रही है सफेद लिबास में, फर्स्ट लेडी मिसेस ट्रंप आपको दिखाई दे रही हैं और ये रहे पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा आपने जेस्चर देखा, हियर आई एम बडी, ये वो वाला जेस्चर था ऐसा करते हुए। हाँ, ये वाला जस्ट देखिए आप, मैंने टिपिकल अमेरिकन स्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो रियलिटी शो के स्टार रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये जब मोदी की खुद पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है, तो आप इस तरह के रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये झप्पी दी और बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्रंप की इस मांग और भारत द्वारा दिए जवाब पर भी सवाल खड़े किए हैं। संकट का जब समय आता है, भले किसी परिवार पर आए, समाज में आए, देश में आए, विश्व में आए, तो परिवार के एक एक सदस्य की परीक्षा की भी घड़ी वही होती है। ये बात सब पर लागू होती है। उस वक्त दोस्त की भी परीक्षा हो जाती है, दुश्मन की भी परीक्षा हो जाती है, तमाम लोगों की परीक्षा हो जाती है। आज वही एक घड़ी है, संकट की घड़ी है, पूरे विश्व में सब पर एक परीक्षा का दौर जिससे हम गुजर रहे हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप आकर एक धमकी भरे लहजे में धमकी की बात करके भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात रखें, की मांग रखें, तो उस परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल, उसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। हम उस धमकी से डर जाएं, तुरंत एक्सपोर्ट पर जो हमने बैन लगाया था HCQ पर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर, वो हम हटा देते हैं। परीक्षा की घड़ी में राजा प्रजा सबकी परीक्षा हो रही है, लोगों ने भी उस परीक्षा को पास किया है। इस देश के 130 करोड़ लोगों ने उस परीक्षा को पास किया, हर बात मानी, सरकार की मानी, विपक्ष की मानी, सबकी बात मानी। लेकिन ऐसे में जब दिखता है कि राजा डर जाते हैं, तो हम सब जो 130 करोड़ लोगों का देश है, उनके दिल पर क्या गुजरती हो। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम विदेश नीति में भारत सरकार के साथ खड़े होते, किसी की भी सरकार। लेकिन डर के मारे अगर हम कोई निर्णय लें तो वो संदेश अच्छा नहीं जाता। देश के 130 करोड़ लोगों का अपमान होता है और एक उदाहरण गलत बन जाता है आने वाले सालों के लिए, आने वाले दशकों के लिए। मीडिया खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तारीफ करे या आलोचना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.